हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इजी है, कम समय में बन जाता है और किसी भी फंक्शन के लिए आप इसको वेयर कर सकते हैं। एक ही तरीके की साड़ी ड्रेपिंग करते हुए हम बोर हो जाते हैं तो कुछ अलग तरीके का लुक आप इससे पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से नॉर्मल जो साड़ी वेयर करते हैं इस तरीके से, तो ये हम इसके सेंटर प्लीट्स वगैरह नॉर्मल तरीके से ही हम रखेंगे। सिर्फ आप साड़ी का जो पल्लू का पोर्शन है वो बदल कर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी ड्रेप बना सकते हैं। देखिएगा, सेंटर प्लीट्स मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाले, यहाँ पर सिर्फ पल्लू का पोर्शन यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ और पल्लू का जो पोर्शन है वो अब हम सामने की तरफ से लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल देंगे। जिस तरीके से हम बंगाली ड्रेप में पल्लू का पोर्शन लेते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको लेफ्ट वाले शोल्डर पर पल्लू का पोर्शन डाल देना है। सेंटर प्लीट्स उसी तरीके से रखेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से सेट भी ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लफीनेस आएगी, अनइवन लुक आएगा जो कि अच्छा लुक नहीं देगी। पीछे की तरफ से पल्लू हमने डाल दिया है और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो पोर्शन है वो हमें सेट कर लेना है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं टैंगल्स, तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे। पीछे की तरफ से आप पल्लू का पोर्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट वाले शोल्डर पर हम पिनअप कर लेंगे। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि साड़ी की जो बॉर्डर है वो लेफ्ट साइड से आई है और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है पल्लू का ये बहुत खूबसूरत तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। सो इस तरीके से लेफ्ट वाले शोल्डर पर हम पिनअप कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से पोर्शन आया है हमारा। आप देख ही सकते हैं कि नीचे की तरफ प्लीट्स भी कितनी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। अभी जो पल्लू का पोर्शन हमने रेडी किया था तो उसको निकाल लेंगे और यहाँ पर साड़ी का नीचे की तरफ भी जो बॉर्डर है उसको हम लेंगे, ये कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो कॉर्नर है इसको अब हम लेफ्ट वाले शोल्डर पर पल्लू के नीचे सेट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। पल्लू का जो पोर्शन है लेफ्ट वाले शोल्डर पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले साइड से भी पल्लू का पोर्शन आता है साड़ी की बॉर्डर और राइट साइड से पल्लू का जो पोर्शन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। इसकी वजह से ये जो ड्रेप है ये बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। पीछे की तरफ से भी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आई है। और पल्लू का पोर्शन देखिएगा यहाँ पर, ये कुछ वन बाय वन हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेंगे और एक वेस्ट बेल्ट लगा लेंगे। फाइनल जो लुक है वो यहाँ पर हमारी बन चुकी है। सिर्फ यहाँ पर जो सेंटर प्लीट्स है ये हमारे कुछ हमें राइट साइड पर थोड़े से इस तरीके से सरका देने हैं। ये हम बेली बटन के नीचे टक करते हैं, लेकिन इसको अगर आप राइट साइड की तरफ थोड़ा सा सरका देते हैं तो यहाँ पर ये वाले जो टैसल्स है ये बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई देंगे और अच्छी तरीके से लुक भी आएगा। तो फाइनल जो ड्रेप है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे से भी आप देख सकते हैं। वेस्ट बेल्ट अगर आप अंदर की तरफ से लेते हैं पल्लू के, तो पल्लू भी आप सर पर इस ड्रेप में ले सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। सो आई होप आप सभी को ये ड्रेप पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।